रेसिपी कल्याणीज में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक नन वेजिटेरियन रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसका नाम है चिकन रेजाला। मूलतः चिकन रेजाला एक बंगाल की रेसिपी है और इसे एक रिच एंड एरोमेटिक व्हाइट बेस ग्रेवी में पकाया जाता है। इसका टेस्ट चिकन की दूसरी रेसिपी से बिल्कुल हटके है। तो व्यूअर्स, इस अद्भुत स्वाद वाले रेसिपी को बनाने की विधि जानने के लिए आप अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें। तो आइए देखते हैं चिकन रेजाला बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए मैंने ली है बड़े टुकड़े में कटे हुए 500 ग्राम चिकन, एक बड़े साइज का ऑनियन, लहसुन की 6 छोटी कलियां, 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा अदरक, इन सब का मैंने एक स्मूथ पेस्ट बना ली है, 1 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर और 1 कप दही। इसके अलावा मैंने ली है 2 सूखी लाल मिर्च, 2 तेज पत्ता, 4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 8 काली मिर्च, 8 लौंग, 2 टुकड़े दालचीनी के, 6 काजू, 1 टीस्पून खसखस। इन दोनों को मैं भिगोकर एक पेस्ट बना लूँगी। जायफल और जावित्री का पाउडर 1/2 टीस्पून, 1.5 टीस्पून चीनी, 4 से 5 टीस्पून घी, स्वादानुसार नमक और रोज वाटर और केवड़ा वाटर। सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट करूंगी। इसमें मैं पहले डाल रही हूँ ये प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये दही और ये व्हाइट पेपर पाउडर, इन सबको अच्छी तरह से मैं मिलाऊंगी। मैंने चिकन में सभी चीज़ें अच्छी तरह मिला दी है। अब इसको मैं 10 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। अगर आप अच्छी रेजाला बनाना चाहते हैं तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए 10 घंटे फ्रिज में अवश्य रखें। ये मेरा मैरिनेट किया हुआ चिकन है, इसको 10 घंटा फ्रिज में रखने के बाद मैं चिकन को फ्रिज से निकाल ली हूँ। इस बीच मैं एक पैन को गर्म होने के लिए बैठा दी थी। पैन लगभग गर्म हो चुकी है। इसमें मैं 4 टीस्पून घी डाल दूंगी। घी पिघल चुकी है, अब इसमें मैं सूखी लाल मिर्च डाल देती हूँ। इसको मैं कुछ देर भूनने के बाद इसको मैं निकाल लूंगी और इसको मैं लो आंच में करूंगी। अब इस मिर्च को मैं निकाल रही हूँ क्योंकि इसका फ्लेवर घी में आ चुका है। अब खड़े मसाले को मैं इस घी में डाल दूंगी और इन सभी को मैं लो आंच में ही भूनूंगी। इस घी में इस खड़े मसाले का फ्लेवर भी आ चुका है, इन खड़े मसालों को मैं निकाल लेती हूँ। अब इस फ्लेवर्ड घी में मैं मैरिनेट की हुई चिकन डाल देती हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें मैं स्वादानुसार नमक डालकर हाई फ्लेम में 3-4 मिनट तक पकाऊंगी। अब इसको मीडियम फ्लेम में ढककर 10 से 12 मिनट तक पकाऊंगी। छह मिनट हो चुके हैं, इसको एक बार मैं चला देती हूँ और इसमें 1/2 कप के लगभग पानी देकर इसको फिर मैं ढक दूंगी। पानी देने के बाद
मैं इसको 4 मिनट और पकाई हूँ। अब इसमें मैं काजू और खसखस का पेस्ट डाल देती हूँ। डालकर इसको अच्छी तरह मिला देंगे। अब इसमें मैं चीनी डाल देती हूँ। इसको कुछ देर यूं ही पकाएंगे, उसके बाद फिर ढककर 2-3 मिनट और पकाएंगे। इसको 5 मिनट पकाने के बाद इसमें मैं 1 कप के करीब पानी डाल रही हूँ और इसको ढककर 5 मिनट और पकाऊंगी। पाँच मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें जावित्री और जायफल का पाउडर, 2-4 बूंद केवड़ा और 2-4 बूंद रोज वाटर मिला देती हूँ। मध्यम आंच पर इसको मैं 2 मिनट और पकाई हूँ। मेरी चिकन रेजाला रेडी हो चुकी है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसे ढककर 5 मिनट तक यूं ही रख दूंगी, उसके बाद सर्व करूंगी। तो व्यूअर्स, ये रही बंगाल क्विजिन की एक नायाब रेसिपी चिकन रेजाला। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि इसे आप इस प्रोसेस में एक बार अवश्य बनाएं। इसका अद्भुत और एक्जोटिक टेस्ट आपको दीवाना बना देगा। मैं दावा करती हूँ कि आप इसे एक बार खाएंगे तो चिकन की दूसरी रेसिपी भूल जाएंगे। तो व्यूअर्स, अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।